हमारे साथ हमारी आज की शो में जो मेहमान हैं वो हैं कांता मखीजानी जी। दादाजी कभी कभी बिना बताए 10-10 दोस्तों को घर ले आते थे। दादी जी कुछ कहती तो नहीं थी लेकिन सीधा रसोई में घुस जाती थी और एक घंटे के अंदर 4 कोर्स मील तैयार और हर एक डिश एक से एक लाजवाब। अब उनका हुनर तो हम में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से कोशिश तो शुरू कर सकते हैं, तो यही कोशिश जारी रखते हैं और बनाते हैं कुर्ग मैंगो सैलेड, जिसे हम कहते हैं मांगे पाशी। ये तो लगता है काफी स्पाइसी होगा क्योंकि ये साउथ की डिश है इसलिए। बिल्कुल स्पाइसी तो दिख ही रहा है, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब देख लेते हैं कि ये बनता कैसे। हाँ जी, सबसे पहले इस दही को हाँ जी हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसको हम एक बोल में डाल लेते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी राई, करीब आधा चम्मच डालते हैं। इसमें नमक थोड़ा सा हम डाल देते हैं, लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, और इसमें डाल देते हैं चीनी, चीनी 2 चम्मच, चीनी 2 चम्मच जी। अब डालते हैं इसमें हरी मिर्च, ये स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डाल देते हैं कोकोनट यानी कि नारियल। हाँ जी, ये इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखेगा, क्रिस्प रखेगा। और जैसा कि आपने कहा कि साउथ की डिश है, साउथ की डिश तो कोकोनट के बिना बनी नहीं सकती। तो ये हमने एक दही का, आप मान लीजिए डिप या ड्रेसिंग बना दी, हमने तैयार कर लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं ये आम। अब इसमें आम डाल देंगे जी, और इसको अब अच्छी तरह इसमें मिला देंगे। हाँ, मिला देते हैं इस तरह से। आप सारी की सारी ड्रेसिंग कोट हो चुकी है। अब हम लगाएंगे ड्रेसिंग में तड़का, तड़का सैलेड में तो कुछ तड़का हो जाए। हमारे पास यहाँ पर है पैन, और पैन की फ्लेम ऑन करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, बस इतना, करीब आधा चम्मच। हाँ जी, और इसे गरम कर लेते हैं। ऑलमोस्ट गरम हो गया। हाँ, इसमें हम डाल देते हैं मिर्च, साबुत लाल मिर्च। हाँ, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी राई। तो ये लीजिए, अब ये क्रैकल होनी शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं ये प्याज। प्याज, प्याज कितना डाला है? ये एक प्याज है हमारे पास, एक प्याज है या, उसे हमने बारीक काट रखा है। हाँ जी, ये प्याज को पिंक होना है। हाँ, बस प्याज को ज्यादा नहीं पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि बस ये तड़का ही है। हाँ, और इसको थोड़ा सा क्रंची रखेंगे। अच्छा, क्योंकि ज्यादा पका लेंगे तो एकदम सॉगी हो जाएगी। हाँ, हाँ। ये लीजिए, ये रेडी है। इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, और इस तड़के को इस सैलेड पे डाल देते हैं। अब इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं। चलिए कांता जी, अब इसे सर्व कर देते हैं। लगता है हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसका तो कलर पिंक पिंक बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं और हाँ जी, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा नारियल, नारियल, और फाइनली एक ओ। तो कांता जी कैसा लगा आपको ये सैलेड? ये तो बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है और मन कर रहा है कि इसको फटाफट खा लिया जाए। कैसा? बस फिर आपने चाहा और हम आपकी विश पूरी कर देते हैं। प्लीज आप टेस्ट करके बताइए। तो वाकई बहुत पसंद आया और मैं फटाफट घर जाके ये सबसे पहले इसी को बना के, पर इसमें स्पाइसेस थोड़े कम करने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, ठीक बच्चों है। के हिसाब से स्पाइसेस तो ऐसे हैं कि आप चाहें तो इसे और कम कर सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हाथ में होती हैं। बहुत बहुत लाजवाब डिश बनी है। थैंक यू वेरी मच कांता जी। और आपने पहले तो इसकी बढ़ाई की, इसको चखा आपने और सेकेंडली इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमें बना के दिखाई साईं बाजी की। सो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। ओके ओके, तो चलिए कांता जी को तो ये डेजर्ट बहुत अच्छा लगा। आप भी इसे ट्राई कीजिए, या तो सर्व कीजिए एज एन एपेटाइजर या फिर आप इसे डेजर्ट सर्व कीजिए, मैंगो कुर्ग सैलेड। कुर्ग मैंगो सैलेड बनाने के लिए आपको चाहिए कटे हुए आम 2, दही 200 ग्राम, बारीक कटा प्याज 2 छोटे चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कसा हुआ नारियल 1 कटोरी, राई आधा छोटा चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च 1 छोटा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 2। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कटोरी में दही को फेंट लें। अब इसमें राई, नमक, पिसी लाल मिर्च, चीनी, हरी मिर्च और नारियल डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें आम डालें। एक पैन में तेल गरम करें। अब इसमें साबुत लाल मिर्च, राई और प्याज भूनकर दही के घोल में मिलाएं। नारियल, हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च से गार्निश करें और सर्व करें।